T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। शमी और दीपक चाहर को स्टैंड बाई में रखा गया है। क्रिकेट से जुड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है। रोहित शर्मा की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्ष पटेल, जिनकी चोट के बाद वापसी हुई है, चोट के कारण दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2022 में नहीं खेल सके थे। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को स्टैंड बाय में रखा गया है। चोटिल रविंदर जडेजा की जगह अक्षर पटेल को मौका भी मिला है। वहीं आवेश खान टीम में नहीं है। इस दौरान हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार कंडीशनिंग के लिए NCA को रिपोर्ट भी करेंगे। ये हैं टीम इंडिया के टीम मेंबर्स: रोहित शर्मा कप्तान, KL राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्ष पटेल और अर्शदीप सिंह शामिल हैं। ऐसे ही स्टैंड बाय खिलाड़ियों में मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चाहर को रखा गया है। रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ का लिटमस टेस्ट होगा। इसका सबसे बड़ा कारण एशिया कप 2022 में टीम इंडिया का प्रदर्शन है। 2021 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा था। टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंच सकी थी। तब विराट कोहली कप्तान और रवि शास्त्री कोच थे। टीम को पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हार का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान ने 10 विकेट से भारत को हराया था। दोनों टीमें एक बार फिर एक ही ग्रुप में हैं। 23 अक्टूबर को मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों का मुकाबला भी होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं क्रिकेट से जुड़ी नई अपडेट के साथ।